प्रदेश का जाटलैंड नागौर एक बार फिर से हॉट सीट बना हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो दो चेहरे चुनावी मैदान में थे वही एक बार फिर से आमने सामने हैं। ज्योति मिर्धा जो कि पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी वो इस बार बीजेपी से कैंडिडेट हैं और हनुमान बेनीवाल जो कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे वो इस बार इंडी गठबंधन की नाव पर सवार हो चुके हैं। दोनों जाट नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ज्योति मिर्धा जो कि मोदी लहर पर सवार हैं और दो बार चुनाव हार चुकी हैं तो ये मानती हैं कि जाटलैंड में उनको सिंपैथी मिलेगी। वहीं हनुमान बेनीवाल को ऐसा लगता है कि कांग्रेस से गठबंधन करके कांग्रेस का जो वोट है वो उनको मिलेगा। लेकिन इस जाटलैंड में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी और कौन इस सियासी समीकरण में अपना बोलबाला बनाएगा, इस पूरे रिपोर्ट से समझिए कि आखिरकार जाटलैंड में जनता का मूड क्या है। नागौर की हॉट सीट पर जीतता भी जाट है और हारता भी जाट है और हराता भी जाट है, क्योंकि इस सीट पर 24% जाट है। इस बार भी लड़ाई दो जाटों के बीच में ही है, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। मेरे सामने वाले कैंडिडेट के बारे में भी कहा जाता है कि भाई वो अब की बार बोले कि एक जगह भाषण दिया उन्होंने केव सर का, और केव सर में बोले कि मेरा निशान बोतल का है, हाथ जोड़ के बोले भाई वोट देना। मैं क्यों पहली बार जाता हाथ को झुकवाया जाए यहाँ था केव सर का। फिर बोले कि भाई भाई रब कर ले बोतल ले, लेकिन हाथ में बोतल। मैं क्या हाथ में बोतल हो जाए मतलब धनिया उठ जाए परिवार का परिवार पर हाथ भी चल रहा है। वही आपको देखना है कि आप किस तरीके की राजनीति के साथ रहना चाहते हैं। अच्छी प्रयास करेगा मोदी जी भी करेंगे, अमित शाह करेंगे, मान नहीं आना चाहिए लोकसभा का आएगा, तंग करेगा, परेशान करेगा, कभी अंदर कूदेगा, कभी माइक पकड़ेगा, तो उसको या नहीं आने देना। और आप भी प्रयास करोगे कि बैठना है। वैसे ये भाई और भाई का तनाव है दोनों, भाई तो ससुराल में अच्छी लगती है, घर पे अच्छी लगती है, भाई तो लोकसभा का चुनाव है। एक घायल शेरनी की तरह हार का बदला लेना चाहती है और खुद को नागौर की बेटी कहती है, दूसरा खुद को किसान का बेटा बताता है और फिर से शिकस्त का दावा करता है। तो जो 2014 का चुनाव था उसमें हनुमान बेनीवाल जी की जमानत जब्त हुई थी, मेरे हार का अंतर मात्र 74,000 वोट के करीब था जब मोदी जी की बहुत भारी लहर थी उस टाइम पर, और सी आर चौधरी साहब चुनाव जीत करके गए। सेकंड टाइम जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो वो फिर से यही चाहते थे, मुझे टिकट मिल गई कांग्रेस की, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और दो पार्टियों ने लड़के मेरे सामने चुनाव लड़ा। अब की बार मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी से चुनाव लड़ रही हूँ, पीछे जो उनका आपसी तालमेल है सीएम साहब के साथ में वो किसी से छाना नहीं रहा हुआ, वो मतलब उजागर हो चुका है दुनिया, अशोक गहलोत जी तो उनका अच्छी सेटिंग है, उनकी आपस में ट्यूनिंग है, और सिर्फ वही एक नेता थे जो चाहते थे कि इस बार उनका गठबंधन हो, उसके अलावा सारे के सारे कांग्रेसी नेता मोटा मोटी उसके खिलाफ थे कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, हमारे कार्डर के ऊपर इसका असर पड़ेगा। लेकिन इस बार भी उन्होंने जैसे तैसे करके, मैं बीजेपी से हूँ तो दो पार्टियाँ फिर से मिलकर चुनाव लड़ रही है सामने, तो जनता ये समझ चुकी है कि हर बार घेर करके मारने का प्रयास करते हैं, और जनता का अगर सपोर्ट रहता है तो लोकतंत्र में कोई किसी को मार नहीं सकता। गए तो चोट खाई हुई घायल शेरनी मैदान में, घायल शेरनी तो मैं नहीं कहूँगी अभी, पर अभी मैं लोगों को ये कहूँगी जिस तरीके का आशीर्वाद बनाए रख रहे हैं वो रखें, और जैसी जिस चीज़ से मेरे सामने वाले दुश्मन घबराते हैं तो शायद कहीं ना कहीं वो प्रतिभा छुपी हुई देखते हैं कि भैया नहीं, लेकिन वो तो गहलोत ही उसको लाए थे 2000, ये सही कह रही है, वो सब ने मिल के ही उसको MP बनाया था। अशोक गहलोत ने टिकट दिया, मैं टिकट दिलाने में था, रूपाराम जी डूडी टिकट दिलाने में था, और टिकट लेने के बाद जीतने के बाद ही चली गई थी, फिर ये 5 साल नहीं दिखी, न तो इसका कोई नंबर है, न घर का एड्रेस है, पैसा इतना ज़्यादा इसके पास, और इसने अभी फार्म जब भरा तो मुकदमे जो थे इसके दो मुकदमे का तथ्य छुपा लिया, बताओ कितनी बड़ी विडंबना, और आर्ग्यूमेंट और करी, जब प्रेस वालों ने पूछा कि साहब मुकदमे कैसे छुपा लिए, तो कह रहा ये तो होता ही नहीं है, अब प्रेस वालों की बात पूछनी चाहिए, साहब सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने जब कहा है कि मुकदमा अगर थाने में दर्ज है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है और चालान हो गया, दोनों में आपको लिख के देना, जैसे मेरे पे एक मुकदमा चल रहा है
रेलवे का जीआरपी का उधर ही का जो हुआ था, तो मैं लिख के दे रहा हूँ ना, वो सात सात दिन में सोच रहा, आयोग को भी नहीं मानूंगी, कुछ नहीं मानूंगी। अब है उसकी नेचर है ऐसी परिस्थिति में, बड़ी बड़ी खैर वो सारी हिस्ट्री अभी मैं आपको सारी नहीं बता सकता। मतलब साफ है, नागौर में मुकाबला बहुत कड़ा है, लेकिन सवाल है नागौर किसके साथ खड़ा है। एक तरफ ज्योति मिर्धा है, कुछ दिन पहले तक ये खाटी कांग्रेसी थी, अब मोदी की टीम में है। नागौर की ये उस सियासी विरासत से आती हैं, जिस परिवार ने 18 बार हुए चुनाव में 9 बार नागौर की नुमाइंदगी की। इनके दादा नाथूराम मिर्धा यहाँ से 6 बार सांसद रहे। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर ज्योति मिर्धा ने चुनाव लड़ा, उस वक्त उनके खिलाफ खड़े हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ थे। बेनीवाल ने 1,81,000 वोटों से मिर्धा को हराया था। इससे पहले 2014 के चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल ने निर्दलीय चुनाव में ज्योति मिर्धा से बाजी मार ली थी। इस बार भी दोनों आमने सामने हैं, लेकिन खेमे बदल गए हैं। बेनीवाल कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन में हैं, ज्योति मिर्धा बीजेपी के साथ खड़ी हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि भाई मेरे परिवार में आप लोगों के बीच में चार दोस्तों ने राजनीति करी, आप लोगों ने बहुत समर्थन दिया और स्वर्गीय बाबा का सब जनता ने बहुत मान सम्मान रखा, आप लोगों का बहुत आशीर्वाद रहा परिवार पर। और आज एक ऐसी परिस्थिति बन गई है पिछले 3 चुनावों में कि जब भी ज्योति मिर्धा अपनी पार्टी से खड़ी होती है तो सामने वाली पार्टियां सब इकट्ठी हो जाती है और आकर के फैसला हो जाता है कैसे करके इसको पट पट। ज्योति मिर्धा कह रही हैं, इस बार उनके साथ सेंटिमेंट है, इमोशन है, बेनीवाल विरोधी हवा भी है और सबसे बड़ी बात उनके सिर पर मोदी का हाथ है, इसलिए इस बार विजय भी उन्हीं के साथ है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आज जो माहौल है देश में उसमें ये बात तो बिल्कुल तय है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इससे मुझे भी किसी को कोई किंतु परंतु नहीं है, ये तो तय है बात की मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन लड़ाई इतनी आसान नहीं है। हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा को 2 बार लोकसभा में शिकस्त दे चुके हैं, इस बार भी हराने का दावा कर रहे हैं। ज्योति मिर्धा पर वो लगातार हमलावर है, खुद को वो जमीनी नेता बताते हैं, नागौर का असली हितैषी बताते हैं, गवई अंदाज में लोगों से मिलते हैं, लोकल कनेक्ट करते हैं, दावा करते हैं कि वो अपनी शर्तों पर काम करते हैं। 2018 में RLP बनाने से पहले हनुमान बीजेपी में थे, वसुंधरा राजे से उनके तल्ख सियासी रिश्ते जगजाहिर हैं, यहाँ तक कि हनुमान उन पर निजी हमले करने से भी नहीं चुकते थे। बात जब जमी नहीं तो उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। अपने पिछले लोकसभा कार्यकाल में सरकार में साझेदार रहते हुए भी उन्होंने 2020 में कृषि से जुड़े केंद्र सरकार के 3 कानूनों का विरोध किया और किसान के नाम पर एक झटके में 3 संसदीय समितियों से इस्तीफा दे दिया। कई और मुद्दों पर अब खुलकर मोदी के विरोध में आ गए हैं और इस वक्त वो जहां जा रहे हैं उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जो उनके वोट को बढ़ा रहे हैं। के मुद्दे देश के जो मुद्दे हैं, अग्निपथ बड़ा मुद्दा अग्निवीर का, सबसे ज्यादा सेकावाटी और मारवाड़ के किसान के बच्चे बॉर्डर पे, और ये अग्निवीर योजना आई उसके बाद लोगों का जो जज्बा खत्म हो गया, लोग डिमोरलाइज हो गए। मेरा हमारे संघर्षों का परिणाम था कि सरकार ने 25% अग्निवीर लेके 75 वापस भेजने की जो बात थी अब 50% का संशोधन कर दिया। हम चाहते हैं कि अग्निवीर योजना बंद हो और इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। एक MSP खरीद किसान की हो, किसान आंदोलित है देश के, और बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान, उद्योगों में और जितनी भी इकाइयाँ उसमें 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, भ्रष्टाचार में अंकुश के लिए सशक्त लोकायुक्त, स्टेट के हमारे मुद्दे के जो है वो टोल मुक्त राजस्थान और फ्री बिजली, कर्ज मुक्त किसान, इन मुद्दों के साथ RLP पार्टी बनी थी कार्यालयों से और वही हमारे प्रमुख मुद्दे नागौर के अंदर। लेकिन सवाल है कि क्या इन्हीं सवालों के उठाने भर से बेनीवाल तीसरी बार जीत जाएंगे, क्योंकि इस बार मुकाबला मोदी की गारंटी राम मंदिर का निर्माण मोदी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से है जो जनता के दिमाग में बैठ चुकी है
और जाति समीकरण भी पिछले विधानसभा चुनाव की तरह सेट बैठता नहीं दिख रहा। 2023 विधानसभा चुनाव में हनुमान को रावण का साथ मिला था, लिहाजा दलित वोट भी खूब मिला था। देखिए, अगर दो जनों को मेरे सामने चुनाव मिलकर के लड़ना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि शायद मजबूती इसी तरफ है। और इस बार जैसे आप मानस लोगों का देखेंगे तो जो परंपरागत तौर पे कांग्रेसी थे वो भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि इस बार हाथ का चुनाव चिन्ह नहीं है। और एक हमारे सामने जो कैंडिडेट हैं उनका एक पास्ट रहा है कि जब भी उन्होंने किसी के साथ गठबंधन किया है तो वो बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हुआ। भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली बार जब उन्होंने गठबंधन किया, चुनाव जीत गए, थोड़े टाइम बाद मौका मिलते ही पलटी मार गए। उसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर रावण के साथ में किया तो शुरू में तो उनको वो दुपट्टा पहनने में भी उनको शर्म आ रही थी नीले रंग का। तो जब लोगों ने कहा कि भाई ये तो दोनों लगा के आ रहे हैं चंद्रशेखर जी और आप अपनी पार्टी का लगा रहे हो, तो फिर जैसे तैसे पहना। और वो तो इतना मतलब जिसको कहते हैं असहज महसूस कर रहे थे सब लोग कि प्रचार खत्म हुआ, पोलिंग नहीं हुई उससे पहले ही वहाँ पे तनातनी होकर के और वो गठबंधन टूट गया। तो इस बार कांग्रेस के साथ में आए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता है उनके मन में भी और जो कार्यकर्ता है उनके मन में भी ये मेरे हिसाब से ज़रूर चल रहा होगा कि ये गठबंधन चलेगा तो कितने दिन चलेगा। पहले बीजेपी के साथ गठबंधन, उसके बाद भीम आर्मी के साथ गठबंधन, और अब आप इंडिया अलायंस गठबंधन की नाव पर सवार हैं, चक्कर क्या है ये? देखिए, मैंने हमेशा एक ही बात कही कि गठबंधन के रास्ते खुले हुए हैं, जो भी हमारी विचारधारा से मेल खाता है उसके साथ हम अलायंस करते हैं। पिछली बार विधानसभा के अंदर किससे अलायंस नहीं किया था 18 के अंदर, और जब 19 का चुनाव था तब आम राय लोगों की थी भाजपा के साथ गठबंधन किया जाए। मैंने गठबंधन मेरी शर्तों पर किया था, और जैसे ही तीनों काले कानून आए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के NDA छोड़ के मैं सड़क पर आ गया। उसके बाद लगातार दिल्ली सरकार का विरोध करता रहा, और यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ पेपर लीक से लेकर जो भी घटनाएं हुई उन सबको घेरने का प्रयास किया, चाहे बजरी का आंदोलन था, RPSC का मामला था। हमेशा हनुमान बेनीवाल को आपने लड़ता हुआ देखा था, और भीम आर्मी का गठबंधन जो है हमेशा दलित शोषित पीड़ित किसान की बात मैं करता हूँ, और वो भी नौजवान नेता है। और हमने उस समय कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन की बात कही थी, हम दोनों से नहीं करेंगे। अगर मैं चाहता तो दोनों पार्टियां अलायंस के लिए उस समय भी तैयार थी, हो जाता तो आज नज़ारा दूसरा होता। भीम आर्मी के साथ मेरा गठबंधन हुआ, हमने प्रयास मिलकर किया, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए था आशा का अनुरूप रिजल्ट है, लेकिन हम ठकने वाले नहीं है। 24% जाट के अलावा नागौर में सबसे बड़ी आबादी 21% दलितों की आती है, जिसमें मेघवाल, नायक, बाबरी, वाल्मीकि, खटिक जैसी जातियां हैं। इसके अलावा राजपूत 15.5% हैं। राजपूतों को बीजेपी अपने साथ मानती है। राम मंदिर के बनने के बाद राजपूतों में सनातन प्रवाह भी तेज हो गया है। 14.3% मुस्लिम भी मोदी की गारंटी के साथ खुश हैं, लेकिन वोट करेंगे ये कहना मुश्किल है। ब्राह्मण प्लस राजपुरोहित प्लस बनिया ये 6.5% हैं, और दूसरी 18.7% OBC जातियां हैं। इन सब पर बीजेपी अपना दावा करती है। जाति इक्वेशन के हिसाब से कांटा किस ओर झुक रहा है, किस ओर उठ रहा है, समझना मुश्किल नहीं है। दलित वोट पर सबसे बड़ा दावा मायावती करती हैं, और नागौर से उन्होंने गजेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट दिया है जो राजपूत जाति से आते हैं। ऐसे में कास्ट इक्वेशन का भी नागौर में बड़ा रोल होने वाला है। इन सब के बावजूद नागौर के लोग कह रहे हैं असली लड़ाई तो ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच ही है। यहाँ पे परचम मतलब बीजेपी है। ज्योति मिर्धा का व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि इनको कोई रोक ही नहीं सकता। इस लहर है, मिर्धा लहर है, मोदी जी की तो लहर प्राथमिकता वो तो है ही है। उनके साथ साथ इनका ज्योति जी का जो व्यक्तित्व है ना उसकी भी बड़ी तगड़ी लहर है। बीजेपी खुद इनका साथ दे रही है, कांग्रेस इनका साथ दे रही है। इनके पास तो अपना पट्टा खुद का तो बोतल का निशान है ना, ये किसी के पास नहीं गई है, पार्टी इनके पास आ रही है। बीजेपी इनके पास आई बोतल पर निशान था, कांग्रेस इनके पास आई बोतल का निशान है, ये किसी के पास नहीं जा रही, पार्टी खुद इनसे समझौता कर रही है। क्यों कर रही है? इनके पीछे राजस्थान में वोट है। हनुमान बेनीवाल तो झूठ का जनरेटर है, उसे झूठी झूठी बातें करता है, साफ सफेद झूठ बोलता है, और विकास नाम की कोई चीज नहीं है, जो बोलता है वो कुछ मिलता नहीं है। हनुमान बेनीवाल का बोतल का पसंद नहीं करते, पसंद करते हैं, वो नहीं आएगा ना, यूथ तो बहुत है उसके साथ। नहीं नहीं नहीं, वो छोटा चार लाख से जीतेगा, मैं बोलता हूँ, इनका ही भतीजा हूँ मैं। बराबरी टक्कर लग रही है। मोदी लहर है क्या? मोदी लहर तो है। मोदी लहर भारी है, मिर्धा लहर भारी? मिर्धा लहर, मोदी लहर भारी है। आपने बराबर की टक्कर क्यों कही? बराबरी टक्कर है नागौर के अंदर तो।
हनुमान नहीं भारी तो नहीं है। हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच की लड़ाई महज सियासत भर नहीं है, दोनों के बीच चुनाव पूरा पर्सनल बन गया है। दोनों के बीच डिग्री पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। दोनों एक दूसरे की डिग्री को फर्जी कह रहे हैं। ज्योति मिर्धा के MBBS की डिग्री पर हनुमान बेनीवाल ने सवाल खड़ा किया तो ज्योति मिर्धा कह रही हैं बेनीवाल की LLB की डिग्री फर्जी है। बेनीवाल ज्योति मिर्धा के सांसद काल का पन्ना पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं जब वो सांसद थी नागौर का कोई विकास नहीं किया बल्कि सांसद निधि का पैसा खर्च करना ही भूल गयी। उधर ज्योति मिर्धा कह रही हैं बेनीवाल ने कोई विकास नहीं किया, सब मोदी सरकार की स्कीम नागौर में आई है। 5 साल का कार्यकाल आपने ज्योति मिर्धा का देखा और 5 साल का लोकसभा का कार्यकाल मेरा देखा, 4 बार विधायक का कार्यकाल मेरा देखा, 1 बार मेरे बाद आपने छोटे भाई को जीता। 1 लाख घड़ियां जब मैं 8 महीने बना था मेरे पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी ये देखो आप। 1 लाख घड़ियों में अंधेरा था 2008 में खेमकर विधानसभा क्षेत्र, 1 लाख घड़ियों का अंधेरा मिटा दिया। सरकारें मेरे खिलाफ रहती है और आप मुझे जीता के भेजते हो लड़ने के लिए, मैं लड़ाई भी लड़ता हूँ और विकास भी करवाता हूँ। जिस तरह ऑलराउंडर खिलाड़ी बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, फील्डिंग और विकेट कीपर, अच्छी बॉल आती है मैं छक्का लगा रहता हूँ और आउट आप लोगों ने और उनका ये उलझलूर आरोप लगाने का तो उनका काम चलता है। वो कई जगह बोलते हैं कि 50% इसकी हाजिरी थी लोकसभा में जबकि उनकी हाजिरी 90% थी, मेरी 93% अटेंडेंस थी पार्लियामेंट में और ये सब फैक्ट्स जो हैं वो पब्लिक डोमेन में है। तो वो झूठ सच करके मंच पे खड़े होकर के कितना भी बड़ा झूठ बोल देते हैं और उसको मतलब किसी छोटे प्लेटफॉर्म पे जगह जगह अपन उसको काउंटर नहीं कर सकते, लेकिन जनता अब ये समझती है कि वो मतलब अनर्गल सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कितना भी बड़ा झूठ बोल सकते हैं। और मैंने तो एक बार किसी मीडिया वाले ने मुझसे पूछा भी था कि उन्होंने कहा मैंने ये करवा दिया मैंने वो करवा दिया, मैंने कहा तो अच्छा हुआ 1947 से पैदा होते पहले तो ये कहते कि देश मैंने आज़ाद करा दिया, ये इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। ज्योति मिर्धा जहाँ जा रही हैं मोदी सरकार की गारंटी सुना रही हैं, पूरी कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल मोदी सरकार की बुराइयां गिना रहे हैं। बेनीवाल तो अपना और ज्योति मिर्धा के सांसद काल का लेखा जोखा भी दिखा रहे हैं। ज्योति मिर्धा कह रही हैं वो झूठ फैला रहे हैं, सवाल तो ये है नागौर के वोटर किधर जा रहे हैं। यहाँ पे ज्योति जी की भारी बहुमत से विजय होगी ये हमें पूरा विश्वास है। अच्छा, इस बार तो ज्योति मिर्धा तो हार गई थी इससे पहले चुनाव, वो तो ऐसे हार जीत तो होती आई है पर इस बार विजय होगी। आप लोग क्या मिर्धा ज्योति मिर्धा की सभा में जा रहे हैं? मोदी जी की जय जयकार है, मोदी जी का जय जयकार है, आराम जीता होगा। अच्छा लग रहा है मोदी जी में इस बार चुनाव, जोरदार लग रहा है। क्या क्या इस बार आप काम हुआ है आपके नागौर? हाँ हुआ और करी पूंजी पे अड़पति है, खड़पति है बा हम कल ऐसा किसान भगवान ज्योति जी मिर्धा जिस तरह के किसान है ना, हम चाहते हैं कि ऐसा किसान भारत में सब ऐसे किसान हो, पूंजीपति करोड़पति किसान हो, हमारा भी सपना है। बिल्कुल, दादाजी ने तो भाई कई बार चुनाव जीते, आप ही लोगों ने तो चुनाव जिताया। उनके दादाजी ने बीजेपी के फूल को सत्यानाशी का फूल बताया था, वो पूरे भारत के अंदर बीजेपी के कट्टर विरोधी रहे हैं और मिर्धा परिवार की राजनीति भी कांग्रेस के बैनर तले रही है सदैव। जाट वैसे तो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है लेकिन मोदी वेव में 2 बार से जाट फैक्टर वाली सीट पर भी कांग्रेस चुनाव हार रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने जाटों को अपने पाले में लाने के लिए और मोदी को रोकने के लिए कुछ पाने की जगह देने वाला अलायंस किया है। राजस्थान के सीकर में लेफ्ट के साथ गठबंधन किया है, वहीं नागौर में RLP के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि गठबंधन की लहर प्रदेश में जाट वोटों को लामबंद करेगी और उनको फायदा मिलेगा। बहरहाल कांग्रेस और RLP का गठबंधन कितना सही साबित होता है यह अभी कहना मुश्किल है क्योंकि इस सीट पर माहौल बेहद टाइट है और टफ फाइट है।